दोस्तों बिग बॉस चोला के लाइव लाइफ में इस वक्त घर के अंदर बता दूं आपको कि यहाँ पे शुम्बुल के खिलाफ कैप्टन बनी रानी निमृत से भी नहीं उनके खिलाफ सुन पाए सी बताता हूं क्या कुछ उन्होंने बोला यहाँ पे और बहुत सही बात कही है और यही मालूम चलता है दोस्तों कि कौन दोस्त आपके सच्चे हैं जो आपके पीठ के पीछे भी अपने अच्छे दोस्तों के सामने भी यानी कि निमृत तो बहुत अच्छी फ्रेंड है शिव की फिर भी उनके सामने में सुबुल के लिए यहाँ बोल रहे हैं आपको बताता हूँ क्या कुछ अपडेट है के फैन दोस्तों वीडियो को दबा के लाइक जोड़ के जाए ताकि हमें मालूम चल सके कितने सुम्बुल के सपोर्टर हैं उनको सपोर्ट करते हैं ढेर सारा प्यार करते हैं वरना लगता है दोस्तों ज़्यादा हेटर्स वीडियो देखने ले आते हैं इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हुआ क्या है अभी थोड़ी देर पहले सुम्बल जो वो निमृत से मिलने आई और उनसे पूछी कि आज मतलब क्या कुछ ड्यूटी रखा गया है मेरा क्या ड्यूटी है और जो भी आप बोलोगे मैं कर दूंगी अब इस बात को आप सभी जानते हैं कि हर कैप्टन उन्होंने पूछा है और वो उनके भले के लिए पूछती ताकि कैप्टन पे बाद में कुछ कहीं घूम के उनके ऊपर ना आ जाए और कुछ बैकफायर ना कर जाए कैप्टन पे वो सारी काम को कंप्लीट करना चाहती है पर इसको निमृत ने थोड़ा अलग वे में ले लिया तो जब शिव उनके पास आके बैठे उन्होंने बोला यार शम्बुल का तो अलग ही है वो बार बार मेरे से पूछने आते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है मतलब वो भी इतना रूड वे में नहीं बोले थे लेकिन यहाँ पर शिव ने बोला कि नहीं तुम्हें गलत थोड़ा ऐसा लगा है वो मुझसे भी ऐसा पूछा करती थी और वो हम हमारे लिए ही पूछती है क्योंकि हमारे टीम की तरफ से वो तो कई वो नहीं चाहती कि अगर मैं वो अपना काम नहीं करे और कन्फ्यूजन क्रिएट की वजह से तुम्हारे कैप्टनसी पे कुछ इफेक्ट पड़े इसके वजह से वो तुमसे पूछने आई थी ना कि तुमको ऐसा ड्यूटी का एहसास करवाने आए थे इसलिए तुम उसके बारे में नेगेटिव अभी फिलहाल मत ही सोचो तो दोस्तों आप क्या कहना शम्बुल और सिर्फ